यार ये तो लॉक है। क्यों हसन, तुम तो कह रहे थे कि ये खुली होती है और यहाँ पे चौकीदार होता है, अब तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ, जब मैं पहले यहाँ आया था चौकीदार था, अब पता नहीं। तो अब फिर क्या करें? कोई मसला नहीं, फिर ताला तोड़ देते हैं, कर लेंगे अंकल से बात। अब ताला ही तोड़ना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं। रुको एक मिनट, ध्यान ये लो। वो हवेली यार किस चीज का इंतजार है? मेरे ख्याल में अंदर चलना चाहिए हमें। हाँ चलते हैं। यार अकॉर्डिंग टू हसन आई डू नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे हसन के मुताबिक कोई नहीं रहता और ये वैली काफ़ी सालों से बंद है, लेकिन इसकी चमक दमक देख के, ये खूबसूरत लॉन और इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसका ख्याल रखने के लिए आज भी कोई रहता है। यार हो सकता है चौकीदार यही रहता हो और किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हो। यार अगर ऐसा कुछ होता तो अंदर इसका सामान होना जरूरी था, लेकिन अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यार तुम्हारे अंकल कहाँ रहते हैं, वो यहाँ क्यों नहीं रहते? यार मेरे अंकल ने काफ़ी साल इस हवेली में गुजारे हैं, छोटी सी फैमिली थी उनकी, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन उनकी वाइफ की डेथ के बाद वो यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट हो गए। लेकिन वो इतना सब कुछ छोड़ के अब्रॉड क्यों शिफ्ट हो गए? यार सुनने में आया था कि उनकी वाइफ की डेथ के बाद उनका बेटा रजाना रात को लॉन में अकेले किसी से बातें करता था, और जब अंकल ने उस बेटे से पूछा तो कहने लगा कि मैं अपनी माँ से बातें करता हूँ, और जबकि माँ तो मर चुकी थी। यार ये सब सुन के तो काफ़ी डर लगने लग गया। अंकल को लगा कि उनका बेटा अपनी माँ का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसे ये महसूस होता है कि उसकी माँ जिंदा है, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से वो यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट हो गए। अगर इस जगह को देखा जाए तो यहाँ कुछ ऐसा महसूस नहीं। अंकल ने कई दफ़ा इस हवेली को बेचने की कोशिश की है, लेकिन कोई ख़रीदार इसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं। लोगों का मानना है कि जो भी एक दफ़ा इस हवेली में आया है वो दोबारा वापस नहीं गया। अबे ये सरासर झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है, मैं नहीं यकीन रखता इन बातों पे। आई थिंक वी शुड टेक सम रेस्ट हियर, टुमारो वी हैव अ वेरी लॉन्ग जर्नी। हाँ चलो अब आराम करते हैं, बहुत बातें हो गई। अचानक तूफान कहाँ से आ गया?
ये दरवाजा भी खुला है। इतनी रात को ये दरवाजा क्यों खुला है? इस टाइम ये कहाँ जा रहा है? साथ साथ किधर जा रहे हो? रुको,